नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज का दिन जो है 0.858% अपसाइड जाकर मार्केट क्लोज किया है, और आज के दिन जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी जगह पे कमजोरी रहा, मगर ये स्टॉक में देख रहा हूँ कमजोरी नहीं देखने को मिला। इसके साथ साथ जो है ना 5 लाख क्वांटिटी और शेयर्स की ना बाइंग पोजीशंस बनी है, मतलब कि ये क्वांटिटी जो है ना ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, कल के दिन मार्केट को अपसाइड ले जाने का काम करने वाला है। और आज के दिन डिलीवरी बेसिस को लेकर बात करें तो 46% का डिलीवरी बेसिस है। आपको पुराने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बन रहा है वॉल्यूम के साथ साथ, तो जब बहुत ही जल्द हमको ना इसमें जैसे ब्रेकआउट लेगा तो शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मगर यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि निफ्टी, या दोस्तों निफ्टी में एक तरह से ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से आज का दिन ना कैंडल का ये वीक देख रहे हो तो कहाँ तक का 64 रुपीज़ तक का डाउनसाइड रहा, मगर सेकेंड हाफ में क्या है वॉल्यूम कंटिन्यू आ गया, बाइंग मूवमेंट चालू हो गया, इस वजह से अपसाइड का मूवमेंट 68 पे इसने क्लोजिंग दिया। तो क्या करना चाहिए, तो फिलहाल देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन भी प्रेशर में रहता ना तो थोड़ा सा यहाँ पर एक वीकनेस देखने को मिल सकता है, मगर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पहला चीज़ हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा 64 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे रेस्पेक्ट हमेशा गिरते हुए मार्केट में किया है। और पहला टारगेट हमारा रहेगा वो है 72 रुपीज़ का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 76 रुपीज़ तक का अपसाइड का मूवमेंट इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना, बाय, सेलेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद।